कहाँ से आए? माइक लीजिए, बोलिए, क्या अर्जी लेकर आए? बगड़ो, इनकी तबीयत खराब है महाराज। कौन है ये? ये बच्ची है, क्या हुआ है? क्या नाम है बच्ची का? सिंको राजा। अच्छा, क्या हुआ है? इनके लीवर में कैंसर बता रही है। पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े। अब और बड़ी आफत है, किसी को हम बुला लें, कोई भी पढ़ा लिखा हो, पढ़ना चाहता हो तुरंत आ जाए। आओ जल्दी से, बोलो सन्यास जी बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय। कब से दिक्कत बनी है? 3 महीना हो गया। हम्म, 3 महीना से। दादा ऐसे आ जाओ, माइक लो भाई। कहाँ के आओ? मैं चित्रकूट सदगुरु नेत्र चिकित्सालय। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय। पढ़े लिखे हो? जी सर। कह लो। जी सर, एमए किया है मैंने और ऑप्टोमेट्रिस्ट भी किया है नेत्र वाला। अच्छा, मतलब कल पढ़े कहा है जो तुमने बता दो। जी जी। हमारे परीक्षा में कहा लिखो? अभी तो सर नहीं देखा। नहीं देखो तो कैसे पढ़े लिखे पे? अभी बैठा था आपके दर्शन। तो क्या आप जानते हैं, आप तो साइंस पढ़े हैं जी सर, आप नेत्र चिकित्सालय से जुड़े हैं, जी क्या आज के जमाने में ऐसा हो सकता कि कोई बिना बताए पहले से पूरी जांचें लिख दे? जी सर, विश्वास है भगवान पर ही। साइंस में है ऐसा कोई? साइंस में तो ऐसा नहीं है, जांचों के बाद ही बताते हैं। जांचों के बाद, लेकिन हम बिना जांच के लिखे बैठे कहा है? जी जी। कोनो मशीन नहीं लगाई है और हम धरे कहा है कि इन्हें दिक्कत का है? पढ़िए, बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई जो लीवर पर अफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलिए सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। जी जी, जॉय लिखो, जाधरी तलो सब जांच। भूत बाधा कुछ भी नहीं है, ना कोई तंत्र बाधा, इसे दिनारी खिलाई गई है, दिनारी स्त्री ने खिलाई है, 2018 में खिलाई है बच्ची को, 2019 से लास्ट से दिक्कत, पेट दर्द शुरू हुआ, बाद में फिर पेट में ऐंठन बनी, फिर उल्टी होना शुरू हुआ, फिर खाना पचना बंद हुआ, इसके बाद फिर जांचों में अभी 3 माह पूर्व में कैंसर आया है। क्या यही हुआ? एकदम सही, एकदम सही। दुश्मनी के कारण यह सब किया गया, हनुमान जी कृपा करेंगे, अब जो होगा सो होगा, लेकिन पीलिया भी यह बनो जी। हाँ या ना? हाँ महाराज जी। पीलिया भी बनो, हमारी जांच में लिखो, तुम बताओ तो मैं बताओ डॉक्टर ने, हमारी जांच में आओ, पीलिया भी बना, बनो, आराम लग जाए, जाओ आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहां पीछे बैठिए, ये बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है, इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर, भारतीय नहीं विदेशी डॉक्टर भी धाम पर आते हैं, इसीलिए आते हैं कि हम आगे को लगो बड़ी बड़ी मशीनन में आदमी यहां डाल दई और फिर भी नहीं पता लगा था कि कौन सी बीमारी है। जे महाराज बड़े बेचत्र हैं, कौनों मशीन असीन में डालत नहीं है और बता देते के जा बीमारी। वहां बैठा रहना है, कुछ काम है, यहीं बैठा रहो, नीचे बैठा रहो, आराम से। राम, छोड़ दीजिए, मुट्ठी बांधिए, तत्क्षण लाभ देना प्रारंभ करें। सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। और तेज प्रभाव करें, और तेज प्रभाव करें, पूरे शक्ति, पूरा प्रभाव करें शक्ति का, राम, तत्क्षण शरीर में ताकत की कृपा की जाए। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए शोध का विषय होगा कि बिना दवाई खवाए और बिना टच किए जो व्यक्ति चल भी नहीं अपने सहारे से पा रहा था, असहनीय दर्द में पीड़ित था, और ये अब हनुमान जी की कृपा का जो कहते मंत्र बल नहीं होता, आज भी ये दो चिकित्सा होती है, एक औषधि चिकित्सा, एक होती मंत्र चिकित्सा, इसे क्या कहते हैं, ये भी एक चिकित्सा है लेकिन ये है मंत्र चिकित्सा। आज भी पुरानी पद्धतियों में बहुत ताकत है, बस उसको ना जानने वाला मिलता है और ना कोई आजकल तप और उसको संभालने वाला मिलता है।
दोनों मिल जाए तो आज भी आदिकाल के भांति और जो बागेश्वर बालाजी के दरबार में आज चमत्कार हो रहे हैं वो हर वैद्य कर सकता है। तप कर ले, मंत्र की शक्ति की सामर्थ्यता सीख ले, भगवत कृपा से उसे पाले बालाजी की दया से, तो आज भी वो मंत्र के आधार पर बिना औषधि के लाभ दिला सकता। दोनों हाथ मल लें बहन, सिर में लगाएं, अब पेट में लगाएं, अब स्थान छोड़ें, खुद से खड़ी हों, स्थान छोड़ें, खुद से खड़ा होना है आपको। ये पर्चा लीजिए, ये भभूति लीजिए, दवाई धाम पर मिलनी है, थोड़ी सी भभूति लगाओ और अभी खबाओ। बस थोड़ी सी और खबा दो, धाम पर नहीं पहुंचे अभी, धाम पर मंगलवार को पहुंचना है, कैंसर की दवाई वहीं पर मिलेगी और आपको शीशम के पत्तों का काढ़ा पिलाना है 20 दिन तक, तब दवा असर करेगी। काहे का? शीशम के पत्तों का, शीशम के पत्तों का काढ़ा बना करके बच्ची को पिलाइए और फिर इसके बाद स्थान छोड़ो बहन, फिर से स्थान छोड़ो, खड़े हो। थोड़ा सा सहारा दो दादा, थोड़ा सा दो। तत्क्षण इनके पैरों की ताकत और लीवर की दिक्कत, तत्क्षण चलो बहन छोड़ो, दादा तुम छोड़ो, तत्क्षण बोलिए सच्चा दरबार की, उस तरफ जाओ, तत्क्षण आदेश, बोलिए बालाजी सरकार की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम। कैसा लग रहा? ताकत है, अच्छा लग रहा, जाओ लेवा जाओ दादा, आज ही से बब्बा जी लाज राखे हैं, जाओ आशीर्वाद। कम सहारा देना है काहे को, उसे उसे अपने बल पर चलने का करो कार्य, वैसाखी जितना बनाओगे उतना मनोबल घटेगा।